टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुस्साए किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों बिल को वापस किए जाने व न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाए जाने की मांग की। साथ ही स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर उसी मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए जाने के संबंध में SDM सियाना को ज्ञापन सौंपा। ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में सभी संगठनों द्वारा किया जा रहा है और हाल ही में क्योंकि केंद्र सरकार ये 3 अध्यादेश लेकर आई है और जो अध्यादेश वास्तव में पूरी तरीके से किसान विरोधी अध्यादेश हैं। और मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपके चैनल से माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से कि आपको कोरोना काल में जहाँ संसद भी बंद है, पूरा देश लॉकडाउन है, क्या जरूरत पड़ेगी कि आप बहुत जल्दी से इन अध्यादेशों को लेकर आए? आपको कहाँ आवश्यकता दिख रही थी कि ये अध्यादेश अभी पिछले 7 साल में तो आपने कभी विचार भी नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया। और जो ये अध्यादेश आए हैं ये पूरी तरीके से किसान विरोधी अध्यादेश है और इनका विरोध पूरे देश का किसान कर रहा है, सभी संगठन कर रहे हैं। उसी अनुसार ये भारतीय किसान यूनियन असली है राजनीतिक, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह है, तो हम सब लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होंगे हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन असली के जिलाध्यक्ष चौधरी कपिल सिरोही ने सैकड़ों भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ सियाना ब्लॉक में एकत्रित होकर हाथों में बैनर लेकर किसान विरोधी सरकार के नारे लगाए। काफी देर तक सड़क पर तपती धूप में लेटकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद नारे लगाते हुए सियाना तहसील में पहुंचकर SDM सुभाष सिंह को ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो किसान यूनियन के कार्यकर्ता एक मंच पर एकत्रित होकर सरकार का बहिष्कार करेंगे और विरोध प्रदर्शन भी ऐसे ही जारी रहेगा। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।